सबसे पहले हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह का कोई शेप क्रिएट करना हो और इस तरह का कोई रिपोर्ट कार्ड या फाइल का कवर पेज या किसी सर्टिफिकेट का कवर पेज या किसी रजिस्टर का या किसी नोट्स का या थीसिस का कोई आप कवर पेज बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपना नाम या कोई कंपनी का नाम या उसके बारे में कुछ डिटेल्स पुटअप करना चाहते हैं, तो इस तरह का डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये है कि आप इसको प्री डिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से कवर पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कई सारे कवर पेज इसके अंदर पहले से डिज़ाइन हुए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करना बहुत आसान है। कैसे कि आप सिंपली उस कवर पेज को सिलेक्ट करेंगे। लेट सपोज मैंने ये वाला कवर पेज सेलेक्ट किया अपने लिए और ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और जब ये अप्लाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जाके मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस या इजीली लिख सकता हूँ और उसको एज ए कवर पेज के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। तो खैर ये तो बने बनाए हैं और फिर इनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसके कलर्स चेंज कर सकता हूँ, इनके इफेक्ट्स चेंज कर सकता हूँ, आउटलाइंस चेंज कर सकता हूँ, अंदर कोई पिक्चर वगैरह भी लगा सकता हूँ या फिर डिज़ाइन में जाके यहाँ से इसकी पूरी पूरी कलर थीम्स को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो ऑप्शन हो गया जो पहले से बना बनाया है। अब आते हैं नीचे कि अगर हमें अपनी मर्ज़ी का कोई फाइल का कवर पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपली इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली इसको करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाने के बाद हमने यहाँ से इसको एक ट्राइंगल बनाया। अब ये ट्राइंगल जो बनाया है ये तो यूँ है और ये ट्राइंगल तो यूँ है, तो इस ट्राइंगल के येलो पॉइंट पर रख के इसको यूँ कर देंगे। एंड देन फिर जब ये ऐसा हो ही जाएगा तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके इसको हम इस तरह से शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे और इसको इस तरह से क्लिक करके रख देंगे। शिफ्ट का होल्ड करेंगे बटन तो ये जो फ्रीली मूव हो रहा था तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये भी उल्टा ही है, तो हम यहाँ से इसको जाके फ्लिप वर्टिकल करते हैं और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये देखें इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का शेप बन गया। अब मैं बन गया क्या, नहीं बना, नहीं बना भाई, अभी भी नहीं बना। तो इसको इस तरह का शेप बनाने के लिए हम फिर से इसको घुमाते हैं और इसको इस तरह के शिफ्ट का बटन दबा के बिल्कुल सीधा रख देते हैं और यहाँ पे रख के इसको इस तरह से खींच देते हैं यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके इसको हम यहाँ से लेके नीचे खींच देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये इस तरह से ईजिली क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ से इसको अल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अल्टर शिफ्ट या शिफ्ट के साथ ही इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से क्लिक करता हूँ और इस तरह का एक शेप पे कलर दे देता हूँ। और इसके बाद इसको यहाँ से रोटेशन पॉइंट को पकड़ के इसको इस तरह से सीधा करूँगा। मैं कैसे सीधा करूँगा, ये इस तरीके से सीधा होगा। तो ये देखें सीधा हो गया। सीधा करने कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट किया मैंने। ठीक है, और फिर यहाँ से क्लिक करके ये आ गया, बिल्कुल सेट बन गया मेरा ये। लेकिन ये वाला शेप ग्रे कलर का है तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन वॉट एवर जो आप चाहें बना सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसके हिसाब से ग्रे कलर भी दे सकता हूँ, इसको यहाँ से ग्रे कलर दे दिया। अब इसके ऊपर एक ये इस तरह का डिज़ाइन विज़ाइन डाला हुआ है, हालांकि ये कोई फोटो इसके अंदर इन्होंने लगाया हुआ है, जैसे हम ये भी कर सकते हैं शेप फिल में जाके यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम कर लेंगे यहाँ से बी फॉर ब्राउज। तो बी फॉर ब्राउज करेंगे तो ये यहाँ लोड हो जाएगा हमारे सामने और जैसे ही ये लोड होगा तो डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे हम लेटेस्ट के ऊपर और जैसे ही लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी और उसमें से हम जो भी पिक्चर चाह रहे हैं जो इस पर लगाना हमें, तो इस तरह की कोई पिक्चर डिज़ाइन वगैरह की, पैटर्न वगैरह की या टेक्स्चर की कोई मिल जाती है तो मैं इसके अंदर ईजी लगा देता हूँ, जैसे इस तरह से लगा दिया। तो ये देखें इस तरह की कोई पिक्चर भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। थैंक यू। तो उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करके इस पर पैटर्न भी लगा सकते हैं, टेक्स्चर में जाएंगे और यहाँ से मॉडल टेक्स्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा पैटर्न। तो देखिए आप इसके अंदर अच्छे से पैटर्न मिल जाएंगे, इस तरह का पैटर्न भी आप लगा सकते हैं, वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, और इस तरह का पैटर्न भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इस पैटर्न पे क्लिक करके आप यहाँ से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ और पैटर्न का कलर जो है इसके ऊपर मैं रेड रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके मैं रेड कलर का पैटर्न भी लगा सकता हूँ, कुछ इस तरह के पैटर्न्स भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स आप इस पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बेटा सिखा रहा हूँ, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो उस पर कर लेना, नहीं तो फोटो लगा देना इसके ऊपर। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर इसके स्ट्रोक्स को ख़त्म करना है, आउट लाइंस को ख़त्म करना है, ये इसमें एक फ़ोटो लगाया हुआ है इन्होंने, इस तरह की फ़ोटो है वो शेप में लगा दिया, मतलब ये एक फ़ोटो इन्होंने जिसने बनाया था ये उसने कोई फ़ोटो डाउनलोड किया होगा और वो शेप में लगा दिया इसने। तो इस तरह का कोई फ़ोटो डाउनलोड करें आप, या फिर और बेहतर जैसे मैंने कोई एक फ़ोटो और लगाया था वैसा लगा दें आप। ठीक है, ये इसके ऊपर मतलब ख़ुद से नहीं बना सकते हम, वो हम सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे होता है काम। आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ से नो आउटलाइन करेंगे और इस पर भी क्लिक करके नो आउटलाइन करेंगे, थोड़ा सा शेड इफेक्ट देना है। ओह माय गॉड, तो शेड इफेक्ट आपको दे रहे हैं तो आप शेड इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से शेड इफेक्ट ईजिली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसको देने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर, तो
तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर जाएंगे शफल पर, और यहाँ पर जाके डिफरेंट इफेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो हमने शेड इफेक्ट देना है, तो यहाँ से हम गए टेक्सचर ग्रेडियंट नहीं, बल्कि यहाँ से नहीं देंगे, शेड इफेक्ट्स में जाएंगे, प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे, शेडोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिफरेंट किस्म के शेडोज़ आ रहे हैं। और जैसे इस शेडो पे क्लिक करेंगे तो इसका शेड आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोबारा से शेडोज़ में जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट शेडोज़ हैं, अप है ये, अप साइड पर है और ये वाला डाउन साइड पर। अगर शेड इस पर सही तरह अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, ये डाउन साइड पर लगा के देखते हैं, हल्का सा अप्लाई हो गया है। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको जूम करके तो ये देखें आपको शेड इसके ऊपर नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये शेड भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब फाइनली आप इसके ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स का मामला है वो आप कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बने बनाए बॉक्सेस हैं जिसमें ये शेप ही होते हैं जिनके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आप लेंगे और उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, उसको उठा के आप यहाँ पे मैनेज करेंगे और व्हाटएवर जो भी आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखेंगे इसके अंदर और कोई भी ऐसा टेक्स्ट वगैरह नीचे लिख सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, और थोड़ी यहाँ क्लिक कर लें पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप लेंगे तो यहाँ से क्लिक करके ओके यहाँ पे देखते हैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसके अंदर कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इस एच आई टी क्रश ले, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर लेते हैं सेलेक्ट करके होम में जाके, यहाँ से सेलेक्ट को हम फॉन्ट के साइज़ की पोजीशन को बढ़ा लेते हैं, तो ये देखिए इस तरह से, और कम कर लेते हैं थोड़ा सा और सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा और ये चीज़ इजीली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन शेप्स वगैरह इस पर बना सकते हैं और इसमें ईजिली लगा सकते हैं।